स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, 36 ग्राम मादक पदार्थ मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने की न्यायिक की जांच की मांग। चिकित्सा कर्मियों के स्थानांतरण पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। जिला कलेक्टर ने सहकारी समितियों का किया औचक निरीक्षण। शीतकालीन योग शिविर का हुआ आयोजन। जालौर के पूर्व सांसद बूटा सिंह को शहरवासियों ने दी श्रद्धांजलि। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। 36 ग्राम मादक पदार्थ मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश अनुसार जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत जालौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, जालौर पदाधिकारी जयदेव सिया के सुपरविजन में, बागरा उप निरीक्षक थानाधिकारी तेजू सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शनिवार को बागरा रेलवे फाटक से पहले जलंधर नाथ महादेव मंदिर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक सफेद स्विफ्ट कार GJ3HK1146 को संदिग्ध नजर आने पर रुकवाया। चेकिंग के दौरान 28 वर्षीय कुकावास पुलिस थाना बागरा निवासी रमेश कुमार बिश्नोई के कब्जे से ग्राम 36 अवैध मादक पदार्थ मेक बरामद हुई। मादक पदार्थ मेक मिलने पर मादक पदार्थ और कार को कब्जे में करते हुए मुलजिम रमेश कुमार को गिरफ्तार कर धारा 8-12 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर मुलजिम से अनुसंधान जारी है। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जालौर शहर के निजी कार्यालय में हिंदू युवा संगठन संस्था की ओर से माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था नगर अध्यक्ष मयंक देवड़ा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू युवा संगठन संस्था की ओर से माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार चौहान उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश सोलंकी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते संस्था महामंत्री अर्जुन सिंह पवार को कोषाध्यक्ष, मंगलाराम सांकला जिला कार्यकारिणी सदस्य, अमन देवेंद्र मेहता, शांतिलाल भाटी पार्षद, दिनेश बारोट उपस्थित थे। कार्यक्रम में माँ सावित्रीबाई फुले की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह बगेड़िया, मीडिया प्रभारी ओम पिछोला, नगर संगठन मंत्री महेंद्र राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार भादराजुन थाना क्षेत्र के कवराड़ा GSS पर कार्य करते समय करंट लगने से लाइनमैन घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अन्य लाइनमैन घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ तक लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। मामला भादराजुन थाना क्षेत्र का होने के कारण थाना प्रभारी को इस घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना के बाद कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र चौधरी व उमेदपुर GSS के सहायक अभियंता अशोक कुमार की तखतगढ़ पहुंचे। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय करौली जिले के हिंडोन सिटी निवासी निरंजन वशिष्ठ 2 साल से जालौर विद्युत वितरण निगम में करवाड़ा GSS पर सेवाएं दे रहा था। मृतक लाइनमैन की 2 माह पूर्व ही शादी हुई थी एवं अपनी पत्नी के साथ भूती ग्राम में रह रहा था। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं घटना की सूचना पर रविवार को परिजन भी कवराड़ा GSS पहुंचे। साथ ही परिजनों ने इस घटना की गहनता से जांच करने की मांग की। कवराड़ा GSS पर परिजन मनोज वशिष्ठ, अशोक वशिष्ठ, चंद्रशेखर, संजय पाराशर, दाताराम, हरिशरण सहित परिजन निरंजन के न्याय की मांग को लेकर GSS कवराड़ा पर धरने पर बैठे। उनके साथ राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन जालौर के अध्यक्ष जनराज मीना सहित डिस्कॉम के कार्मिक के साथ साथ तकनीकी शाखा के मलखान सिंह, शिवदयाल, राजेंद्र गुर्जर, धनराज, दिनेश बतेल मौजूद सहित कार्मिक एवं कवराड़ा ग्राम निवासी भी घटना की जांच एवं दोषियों को सजा की मांग करते हुए GSS कवराड़ा पर धरना देकर बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। मृत कर्मचारी के सारे जो परिलाभ है वो इसे दिए जाएं जी। और ये किस आदेश के तहत यहाँ लगाया था इस डिस्कॉम में जी। और इसको क्यों नहीं जो
सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई। शुभ नाम? सिद्धयाल। यहाँ आप किस पद पे लगे हुए हैं? अच्छा, ये कल की जो घटना है वो उस घटना के बारे में बताइए। इसको ठीक करना है, पूरी वो स्लिप हो गई, इसकी बेल्ट करवा के लाए जी। बेल्ट करना है, वो बाद में वो लाइन काट के ऊपर चढ़ा जी, ऊपर चढ़ा थे पैप को साथ में लेके गया जी, साथ में लेके गया। अकस्मात ये तो उसको पता या मेरे को पता नहीं, दोनों को भी ध्यान नहीं कि भाई कैसे होया ये जी। मैं ना से दे पैप को पहली साइड चले गया, मैंने फिर वो मैं ना से पिन लुमा दूंगा ये जी, इसमें डाल देना जी। आपके पास कोई सेफ्टी के साधन थे उस समय? नहीं थे हमारे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ऑरिन टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरिन का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरिन ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। अहम इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी, एलईडी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, होम अप्लायंस, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे। फाइनेंस की सुविधा, एक बार अवश्य पधारे। अमन देवेंद्र मेहता, अरहम इलेक्ट्रॉनिक्स, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मानपुरा कॉलोनी, जालोर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460767711। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चिकित्सा कर्मियों के स्थानांतरण पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर उपखंड क्षेत्र के हरजी गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत मेल नर्स समेत अन्य चिकित्सा कर्मियों को स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को रैली निकाल एवं अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्मिकों का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि हरजी पीएचसी के अधीन के एक साथ चार कर्मचारी सतीश परमार मेल नर्स, द्वितीय हरजी कुसुम लता महिला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हरजी उर्मिला यादव महिला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र चवरचा मुकेश यादव महिला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र छिपरवाड़ा का तबादला होने से हरजी चवरचा बुढ़तरा छिपरवाड़ा पचानवा समेत दर्जनों गाँव के लोग इलाज के लिए भटकने को मजबूर होंगे। मेल नर्स परमार लोगों के इलाज व सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ग्रामीणों ने तबादलों के विरोध में रैली निकालकर व व्यापार प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर उप सरपंच चंपालाल गर्ग सोमपुरा, वार्डपंच दामोदर गर्ग, प्रकाश प्रजापत, चेनाराम चौधरी सहित ग्रामीण मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने सहकारी समितियों का किया औचक निरीक्षण। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शनिवार दोपहर को ग्राम सेवा सहकारी समिति रामसिंह थूर एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति भीनमार का गहन निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर गुप्ता ने सहकारी समिति की कार्यप्रणाली, समिति में संधारित रिकॉर्ड, समितियों में मिनी बैंकों की स्थिति, समिति के गोदामों, खाद बीज का स्टॉक, ऋण वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा की स्थिति आदि का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने रामसिंह ग्राम सेवा सहकारी समिति के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थापक को ऋण वितरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा में पूर्ण प्रगति नहीं होने की स्थिति में नाराजगी जताई। वहीं थूर ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद की पर्याप्त उपलब्धता तथा मिनी सहकारी बैंक की जमाओं, शत प्रतिशत फसल बीमा व ऋण उपलब्धता तथा मिनी सहकारी बैंक की जमाओं, शत प्रतिशत फसल बीमा व ऋण वितरण में शानदार प्रगति को देखकर प्रशंसा भी की। इन्होंने भीनमार मार्केटिंग सोसाइटी की कार्य प्रणाली तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए जा रहे गेहूं, चावल व चना आदि के भंडार व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर नारायण सिंह चारण व प्रबंध निर्देशक केंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड के मीना साथ थे। शीतकालीन योग शिविर का हुआ आयोजन। दीपक गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आर्य यूथ विंग जालोर के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय शीतकालीन योग शिविर शनिवार शाम 5:30 बजे एंजलस एकेडमी में रखा गया। शिविर प्रभारी प्रवीण आर्य एवं रमेश आर्य ने बताया
कि कार्यक्रम के शिविर के मुख्य अतिथि आर्य यूथ विंग के संरक्षक चंद्रशेखर शर्मा, आर्य वीर दल के पूर्व संचालक मिश्रीवर सुथार व आर्य यूथ विंग के संचालक जगदीश आर्य को उपस्थित में योग शिक्षक व एवं राष्ट्रीय मुक्केबाज गोविंद गर्ग के नेतृत्व में सैकड़ों आर्य वीरों ने शिविर के में योग किया। आर्य वीर दल के पूर्व संचालक मिश्रीवर सुथार ने योग की बारीकियों एवं उसके फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं आर्य यूथ विंग के संचालक जगदीश आर्य ने संगठन में और शिविर में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर कई आर्य वीर एवं मुक्केबाज उपस्थित थे। जालौर के पूर्व सांसद बूटा सिंह को शहरवासियों ने दी श्रद्धांजलि। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को विजय पैराडाइज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री एवं जालौर के सांसद रहे बूटा सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गोपाल शर्मा ने बताया कि बूटा सिंह का जालौर के प्रति सदैव स्नेह और लगाव रहा है। उन्होंने जालौर के लिए कई विकास कार्य करवाए, जिसमें यात्रा गाड़ी, केंद्रीय बस स्टैंड, ऑयल मिल एवं दूर संचार आदि कार्य प्रमुख है। वे हमेशा आम आदमी से जुड़े हुए थे, इसी कारण जालौर सिरोही की जनता ने उनको अपना प्यार दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी सरदार खान खोकर ने बताया कि बूटा सिंह जैसे आज तक जालौर को न तो ऐसा सांसद मिला है और न मिलेगा। श्रद्धांजलि सभा में अनिल शर्मा, अचल सिंह भाटी, सोहन सिंह देवड़ा, विक्रम सिंह भाटी, शमीम खोकर सहित कांग्रेसी मौजूद थे। आज हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता का श्रीमान बूटा सिंह जी, जो कि जालौर सांसद भी रहे और गृह मंत्री थे, राज्यपाल के पद पर भी रहे, बहुत ही एक बड़ी क्षति हो गई है। और उनके विकास के कार्यों की ओर तो उन्होंने बहुत ही जालौर सिरोही के लिए बहुत ही बड़े बड़े विकास कार्य करवाए और बड़े जनप्रिय नेता थे। बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष का किया स्वागत। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव का जालौर आगमन पर आहोर के पंचायत समिति सभागार में स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में प्रदेशाध्यक्ष यादव ने बेरोजगारों की बातें एवं समस्याएं सुनी। इस मौके पर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठकों के कार्यकर्ताओं ने शिक्षक सहित अन्य भर्तियों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपा। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।